गुड मॉर्निंग टू ऑल सभी को नमस्कार आज की इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं बेड मेकिंग के बारे में बेड मेकिंग बिस्तर तैयार करना आप जानते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर जब मरीज आता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर मरीज के लिए एक बेड प्रिपेयर किया जाता है बिस्तर तैयार किए जाते हैं ताकि उसको आराम रहे कम्फर्ट रहे ठीक है और उसका ट्रीटमेंट उस बेड पर किया जा सके तो आज के इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे बेड मेकिंग जो आपको इमेज के अंदर देखने को मिल रहा है और कितने सबसे पहले उनका डेफिनेशन पढ़ेंगे बेड मेकिंग क्या है उसके बाद में फर्पज क्या है उद्देश्य क्या है बेड मेकिंग क्यों करते हैं ऐसी क्या नौबत आ गई वो पढ़ेंगे और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कि बेड मेकिंग करते समय बिस्तर तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है ठीक है मैंने आपको बताया था कि ए, सबसे पहले बेड के बारे में बताया था और उनके ऊपर क्या क्या जो यूज होते हैं सामान उनके बारे में फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था आप पहले वहां से देख लें क्योंकि मैंने वहाँ पे ड्रॉ सीट है मैकेटोज है बेड सीट है मेटर्स है और सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट उस बेड के ऊपर यूज होते हैं उसकी बातें की थी ठीक है तो वहां से देख लें और जनरल इंस्ट्रक्शन क्या क्या होते हैं क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो पढ़ेंगे और दूसरा लास्ट में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ तो बेड कितने प्रकार के बेड होते हैं या बेड बनाए जाते हैं ठीक है तो आज के इस वीडियो के अंदर इम्पोर्टेंट है बेड मेकिंग वाला टॉपिक चल रहा है ठीक है अब देखिएगा ये आपको अलग अलग बेड देख रहे हैं ठीक है अलग अलग हॉस्पिटल के अंदर बेड रहेंगे इसमें मरीज आराम से सोया हुआ है ठीक है तो क्या क्या होता है बेड के कौन कौन से पोर्सन होते हैं क्या भाग होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे देखिएगा हेडिंग डालिएगा बेड मेकिंग का डेफिनेशन हेडिंग डालिएगा बेड मेकिंग का डेफिनेशन बिस्तर तैयार करना सबसे पहले मेकिंग बिस्तर तैयार करना जिसमें डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है बेडमेकिंग से तात्पर्य ऐसी विशेष प्रक्रिया ऐसी विशेष प्रक्रिया से है जिसमें मरीज की स्थिति के अनुसार उसे आरामदायक स्थिति देने के लिए आरामदायक स्थिति देने के लिए विशेष प्रकार के बिस्तर तैयार किया जाता है अब इसके अंदर यह है कि एक मरीज आता है और उस मरीज की कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है मरीज की कंडीशन या स्थिति एक मरीज है एक कार्डियक मरीज है एक सांस में तकलीफ हो रही है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वाला है एक मरीज है फ्रैक्चर वाला है तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप जानते हैं फ्रैक्चर वाले हड्डी टूटा हुआ है उसका बेड अलग तैयार होगा एक पर्सन है कार्डियक मरीज है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उसके लिए जो बेड तैयार किए जाएंगे वो अलग होगा ऑपरेशन बेड होते हैं वो अलग होते हैं तो इस प्रकार से मैं कहूं कि मरीज की कंडीशन को देखते हुए उस मरीज को क्या दिलाना आरामदायक स्थिति प्रोवाइड करवाना कंफर्ट पोजीशन प्रोवाइड करवाने के लिए जो बेड तैयार किया जाता है बेड मेकिंग बिस्तर तैयार करना कहलाता है अब ये आप इस कंडीशन के अंदर एक डेफिनेशन में इसमें आप ये समझ गए कि एक बिस्तर तैयार करने के लिए मरीज की कंडीशन देखा जाता है मरीज की क्या बीमारी है मरीज को क्या डायग्नोसिस हुआ है मरीज को क्या कंफर्ट पोजिशन उसके अकॉर्डिंग हो सकता है उसके अकॉर्डिंग बिस्तर तैयार किए जाएंगे ठीक है तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि एक ऐसी विशेष प्रक्रिया से है जिसमें मरीज की कंडीशन के अनुसार उसे आराम अधिक आरामदायक स्थिति देने के लिए एक विशेष प्रकार का बिस्तर तैयार किया जाता है बेड मेकिंग कहलाता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा आपके दिमाग में इतनी बातें ध्यान रखनी है कि बेड मेकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मरीज की कंडीशन को देखते हुए उनको और बढ़िया आराम मिले उनको और कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड हो ताकि वो मरीज उस पर आए और उसको आरामदायक स्थिति रहो और वो ट्रीटमेंट आराम से ले सके ठीक है जिसके अंदर बेड मेकिंग की जाती है अलग अलग प्रकार की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के बेड तैयार किए जाते हैं अब बात करते हैं इंपोर्टेंट यहां से आपको मालूम पड़ेगा कि बिस्तर तैयार जो किए जाते हैं क्यों किए जाते हैं पर्पज के बारे में बात करते हैं तो हेडिंग डालिएगा पर्पज अब ये इंपोर्टेंट है यहां से आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि बेड मेकिंग आखिर में करने का तात्पर्य क्या होता है इसका मकसद क्या होता है ऐसा क्यों होता है ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि मरीज आते ही उसको खटिया पे लेटा दे हा? नहीं अब देखिएगा मरीज की सुविधाजनक एंड आरामदायक बिस्तर प्रदान करने के लिए अब बेड मेकिंग करते हैं बिस्तर तैयार करते हैं अब इस प्रकार से बिस्तर तैयार क्यों किए जाते हैं मरीज को सुविधा रहेगा मरीज आराम से आएगा जैसे ही बेड मेकिंग के अंदर आप जानते हैं कि बिस्तर बिछा हुआ रहेगा मेटर्स बिछी हुई रहेगी और उसके ऊपर टॉप सीट है बॉटम सीट है ड्रॉ सीट है मैकिंग है है ना ब्लैंकेट साइड में होगा पिल्लो होगा तो ऐसी कंडीशन में मरीज जैसे ही एडमिशन होकर के जब बेड पे आएगा तो उसको ऐसा फील होगा कि जैसे घर में रह रहे हैं या फाइव स्टार होटल के अंदर रह रहे हैं तो इस प्रकार से उनकी पॉजिटिव थिंकिंग आएगी उनको सारी सारी फैसिलिटी उस बेड पे मिलेगा ठीक है तो एक तो एक उसको सुविधा मिलेगी साथ ही साथ में दूसरा है आरामदायक स्थिति रहेगा वो आराम फील करेगा ऐसा नहीं है कि जैसे खटिया पे होते हैं डायरेक्ट हड्डी टस होती है ऐसा नहीं उनको मेट्रस इतना बड़ा रहेगा उसके ऊपर बेडशीट रहेगी तो इस प्रकार से उनको कंफर्ट पोजीशन होगा उनको कंफर्ट फील होगा जब आप जानते हैं कि जब कोई भी बीमारी होती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर मरीज को क्या करवाते हैं कंफर्ट कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं अपन नहीं बोलते हैं कि अच्छा दो तीन दिन रेस्ट कीजिएगा ठीक हो जाएंगे तो इस प्रकार से बेड मेकिंग के अंदर सुविधाजनक और आरामदायक तैयार प्रदान किया जाता है ये एक फायदा है ये उसका उद्देश्य होता है दूसरी बात करते हैं मरीज की स्थिति के अनुसार विशेष सुविधाजनक बिस्तर देने हेतु तो। मैंने आपको बताया था कि कई ऐसे पर्सन जो आ, एम्पुटेशन वाले मरीज है जिसके हड्डी कट गई है या हड्डी टूट गई है जैसे फ्रैक्चर वाला पर्सन है जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वाले मरीज को फ्लैट में नहीं लेटाएंगे उसको हेड वाला साइड से ऊपर की तरफ रखेंगे कार्डियक पेशेंट है उसको कार्डियक टेबल की रिक्वायरमेंट होती है जो इस प्रकार से पर्सन जो किस कंडीशन के अंदर है मरीज की कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग बिस्तर तैयार करते हैं ये उनको फैसिलिटी हो गई सभी को एक कॉमन बेड बिस्तर तैयार करेंगे तो ऐसा कंडीशन में संभव नहीं है मरीज को सारा सारी पोजीशन में कंफर्ट पोजीशन हो कंफर्ट उनको आरामदायक स्थिति महसूस हो ठीक है फ्रैक्चर वाला है हड्डी टूट गया है तो उसको ट्रैक्शन के लिए सपोर्ट के लिए अलग होना चाहिए अलग अलग जगह पे ट्रैक्शन कौन कौन जगह पे क्या है तो ये सारी सारी है कि मरीज की स्थिति के अनुसार विशेष सुविधा दी जाती है उसके बाद में बात करते हैं मरीज को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने हेतु तो। आप देखते हैं कि एक तो बेड होता है उसके ऊपर बेडशीट फेंका हुआ है बिस्तर फेंका हुआ है पिल्लो किधर रखा हुआ है मैट्रेस उल्टा फुलटा है ऐसी कंडीशन के अंदर देखने से ही लगेगा कि ये क्या हो गया है कोई लड़ाई करके चला गया है यहाँ से या क्या हुआ है तो ऐसी कंडीशन के अंदर एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करने हेतु क्लीन एंड नीट जो बिस्तर है जैसे ही मरीज एंट्री करता है तो ऐसी कंडीशन में उसको फील होगा कि हाँ रियली में मेरे को आराम करने के लिए सोने के लिए बिस्तर है तो इस प्रकार से जो बेड मेकिंग किया जाता है एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से की हुई होती है बेड दिखने में बहुत अच्छा लगता है सुंदर लगता है है ना इससे क्या है कि उपास का वातावरण है वो भी अच्छा होगा आप घर में भी देख लो घर में यदि बिस्तर है बेड है उसको अच्छी तरीके से बेड मेकिंग नहीं की है बेडशीट अच्छे से बिछाया हुआ नहीं है ऐसी कंडीशन में बिस्तर कैसे दिखता हुआ वो आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। मरीज को सलवट बिस्तर तैयार करते हैं आप जानते हैं कि एक बार या एक दिन के अंदर मरीज लेटता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर बिस्तर है बेडशीट है उनके ऊपर यूज होने वाले सभी प्रकार के जो सामग्री है वो गंदे हो सकते हैं तो इस प्रकार से बिस्तर तैयार करते रहते हैं नए नए बिस्तर है बेडशीट है वो लगाते रहते हैं जिससे क्या है कि गंदगी नहीं रहेगी साथ ही साथ में जो बेड मेकिंग की जाती है तो उस कंडीशन के अंदर जो बेड शीट है उसको एक कॉर्नर साइड से एक एंगल के रूप में बनाते हुए उसको नीचे की तरफ टक किया जाता है उसको लगा दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में करने से मरीज यदि इधर उधर हिलता डुलता है है तो है, वो इक्टी नहीं होगी पास में नहीं आएगी सलवट नहीं पड़ेगी जब सल्वत ने सलवें नहीं पड़ेगी तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा मरीज कोई मरीज को सलवट रहित और गंदगी रहित तो बिस्तर तैयार करने बेड मेकिंग किया जाता है उसके बाद में मरीज को बिस्तरीय घावों से बचाव हेतु तो। अब आप जानते हैं कि एक क्लीन नीट एंड विदाउट सल्वर सल्वर्ट रहित है ऐसी कंडीशन में बेड श्योर नहीं होगा मरीज को बेड श्योर से बचा बचाने हेतु अब बेड श्योर के अंदर आप जानते हैं कि मरीज एक ही पोजीशन के अंदर लंबे समय से लेटा रहता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर लोअर पार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और जिसकी वजह से वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी और ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन नहीं पिलेगा होगी तो ऐसी कंडीशन में वहां पे क्या होगा जो स्किन है वो ब्रेक हो सकती है फट सकती है यही तो बेड श्योर है घर्षण होता है, है।, है, है सलवटे है तो ऐसी कंडीशन के अंदर मोड़ी हुई रहेगी और वहां उबार वाली पार्ट पे स्किन आएगी और रगड़ खाएगी और जिसकी वजह से स्किन के ऊपर रेडनेस आ सकती है स्किन ब्रेक हो सकती है बेड श्योर होने की संभावना रहती है तो बेड एक बेड बेड मेकिंग करते समय एक विशेष रूप से ये ध्यान रखा जाता है कि उसका बेड का जो बेडशीट बिछाया हुआ है वो अच्छी तरीके से हो सलवट रहित हो ऐसी कंडीशन के, के अंदर किसको प्रिवेंशन किया जा सकता है बेड शेयर होने से रोका जा सकता है बेड मेकिंग के अंदर बेड को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि मरीज को इधर उधर हुलते हैं डुलते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी तो इस प्रकार से क्या है बेड शेयर होने की संभावना नहीं के बराबर होने की संभावना रहेगी साफ सफाई युक्त स्वस्थ परिदर्शक परिदृश्य बनाने हेतु तो, मरीज को बीमारी विशेष से आराम दिलाने हेतु तो, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है जिस बीमारी है उसके अकॉर्डिंग उसको पोजीशन प्रोवाइड देंगे तो उससे क्या होगा उसको रिलीफ मिलेगा उसको आराम मिलेगा मरीज को सुरक्षित बिस्तर प्रदान करना सेफ सेफ बिस्तर मिलेगा साफ सुथरा मिलेगा ऐसा नहीं है कि पहले वाला कोई मरीज आया उसके बाद में दूसरा उसके ऊपर आ गया इसके बाद में ऐसा आएगा ऐसा नहीं एक बेड मेकिंग के अंदर सारे सारे बिस्तर है जो यूज होने वाले उपकरण है वो चेंज हो जाते हैं वो नए आते हैं उसके ऊपर प्रेस किया हुआ रहता है तो इस प्रकार से एक सुरक्षित बिस्तर भी, प्रदान करने हेतु तो, मरीज का विश्वास प्राप्त कर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाने हेतु तो, अब इस प्रकार से बेड मेकिंग करते हैं जब मरीज का या तो पहले किया हुआ रहता है या मरीज के जब मरीज भर्ती होता है तो उसके लिए बिस्तर तैयार करते हैं या चेंज करते हैं बदलते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर मरीज को एक विश्वास हो जाता है कि जो भी हेल्थ टीम के जो लो लोग है, है वो जो काम कर रहे हैं वो मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं उनको एक विश्वास हो जाता है कि मैं से से ठीक तो इस प्रकार से मरीज और नर्स और नर्स और मरीज के बीच में आईपीआर है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो बढ़िया हो जाता है जिसे मरीज को विश्वास हो जाता है तो आईपीआर संबंध बनाने हेतु तैयार करते समय मरीज की सामान्य स्थिति का निरीक्षण करने हेतु अब बिस्तर तैयार करते हैं तो मरीज की सामान्य कंडीशन का निरीक्षण करने हेतु किया जाता है बिस्तर तैयार करते समय मरीज की सामान्य स्थिति तो का निरीक्षण करते हेतु जैसे मरीज को एक बिस्तर तैयार करते हैं ऐसी कंडीशन के अंदर उसका क्या करते हैं निरीक्षण करते रहते हैं जिससे कि मालूम पड़ जाता है कि मरीज की कंडीशन क्या है मरीज का कितना इंप्रूवमेंट है यह क्या है उस टाइम में अपन देख सकते हैं निरीक्षण कर सकते हैं तो फर्पज के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यह है देखिएगा पर्पज के बारे में सुविधाजनक आरामदायक स्थिति प्रोवाइड करवाने के लिए दूसरा है विशेष परिस्थिति के अंदर सुविधा प्रदान करना स्वस्थ वातावरण सलवट रहित रहित गंदगी बेड से बचाना एक साफ सफाई युक्त स्वस्थ बनाने हेतु बीमारी विशेष में आराम दिलाने हेतु सुरक्षित बिस्तर प्रदान करने हेतु मरीज का विश्वास जीत करके आई पी मेंटेन करने हेतु और सामान्य स्थिति का निरीक्षण करने हेतु ये इनके पर्पज के रूप में रहेगा अब बात करते हैं बिस्तर बनाने के सामान्य निर्देश जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ मेकिंग बिस्तर बनाते समय कौन कौन से जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं उसके बारे में बात करते हैं देखिएगा हेडिंग डालिएगा जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर बेड मेकिंग बिस्तर तैयार करते हैं तो उसके अंदर भी क्या होता है बच्चों एक नियम होता है कि किस हिसाब से करना है पिल्लो कहाँ रखना है ब्लैंकेट कहां होगा कहां पे होगा क्या आपको ध्यान रखना है कितना बेड से दूर रहना है क्यों रहना है बेड मेकिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सभी एक जनरल सामान्य बात इसके अंदर करेंगे मरीज को बिस्तर तैयार करने से पहले और बाद में नर्स को अपने हाथ को अच्छी तरीके से साफ कर लेना है बिस्तर बनाते समय सख्त विसंक्रमित तकनीक का उपयोग करना अति आवश्यक है दो बात ध्यान रखना है एक हमेशा ध्यान रखना कोई भी प्रोसीजर हो या कुछ भी लिखते हो ऐसी कंडीशन के अंदर मरीज के ऊपर कार्य कर रहे हैं या बिस्तर तैयार कर रहे हैं तो वॉश करते हैं और वॉश कोई भी कार्य करने से पहले करते भी हैं और उसके बाद में भी करते हैं तो हैंडवॉश हमेशा ध्यान रखना कभी भूलना मत ये लाइन हमेशा किस, किसी के अंदर भी लिख लेना नर्सिंग मैनेजमेंट लिखते हो तो हैंडवॉश वाला हमेशा लिख लेना कि हाथ धोएंगे पहले और बाद में प्रक्रिया करने से पहले प्रक्रिया करने के बाद में मरीज को दवाई देने से पहले मरीज दवाई को मरीज को दवाई देने के बाद में दूसरा है स्टिक टेक्निक अपनाना है एक स्ट्रिक एसेप्टिक टेक्निक अपनाना है ताकि मरीज को इन्फेक्शन ना हो उस बेड को वो क्लीन हो वो बेड इंफेक्शन रहित रहे मरीज को बिस्तर प्रतिदिन तैयार किया जाना चाहिए उसके साफ सफाई करना है अब मरीज का बिस्तर तैयार करते हैं बेड मेकिंग करते हैं तो एवरी डे करना है उसको क्लीन करना है ऐसा नहीं है कि आज किया और उसके बाद में गंदा नहीं हुआ तो कल नहीं परसों करें एवरी डे चेंज द बेड बेड बेडशीट बेड नहीं बेड मेकिंग करना एवरी डे करना है ठीक है मरीज को बिस्तर सादर अन्य कपड़े हटाते समय शरीर से दूर रखते हुए उठाना है और रखना है जब बेड मेकिंग करते हैं उस कंडीशन के भी दौरान हाथ से अपने बॉडी के टच नहीं होना चाहिए हाथ के टच हो सकता है बॉडी से टच नहीं होना हर एक जगह इधर उधर कहीं जो बेडशीट है मैकिनटोज है पिल्लो है वो कहीं टच नहीं करना साथ ही साथ में जो गंदे बिस्तर है जो मरीज के बेड पे है उसको आसानी के साथ में उसको फोल्ड करना है और उसके बाद में क्या है उसको साइड में रखना है चादर मैकेटोज कंबल आदि मरीज के पलंग से हटाकर अन्य मरीज के बिस्तर पर नहीं रखना है अब उसका रखने का भी जगह होता है जो गंदे बेडशीट है मैकिनटोज है कंबल है उसको ऐसा नहीं कि उसको उठा करके इस बेड पर रख दिया नहीं उसका एक प्रॉपर रूप से उसको फोल्ड कीजिए और उसको बाद में उसको एक जगह पर कंटेनर के अंदर रखिए यदि किसी संक्रामक बीमारी की मौजूदगी के कारण मरीज को अन्य बीमारी से आइसोलेट रखा जाता है तो उसके पलंग के और ड्रॉशीट रोग, पहले रोगाणुनाशक करवाना है उसके बाद में धुलवाने के लिए भेजना है अब ऐसी कंडीशन जैसे आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर जो मरीज आते हैं वो अलग अलग बीमारी के आते हैं कई ऐसे होते हैं कम्युनिकेबल बीमारी होती है कोई नॉन कम्युनिकेबल बीमारी होती है कुछ सीरियस बीमारी होती है ऐसी कंडीशन के अंदर उसका रिस्क ज्यादा है इंफेक्शन होने का दूसरी जगह पे फैलने का तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे उस मरीज को क्या करते हैं आइसोलेट करते हैं आइसोलेट का मतलब क्या है कि दूसरे मरीज है उस मरीज से क्या करते हैं उसको अलग जगह पे रखते हैं एक प्राइवेट रूम के अंदर रखा जाता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसका जो यूज किए हुए सभी प्रकार के जो सामग्री है वो उसको विशेष रूप से ध्यान रखना है उसको क्या करना है उसको रोगाणु नाशक पदार्थ से पहले क्या करना है उसको साफ करना है और उसके बाद में धुलाने के लिए देना है नहीं तो क्या होगा उसको कॉमन में देंगे तो कम्युनिकेबल बिजी उधर से आगे से आगे इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है तो इस प्रकार से ध्यान रखें तो उसके रोगाणु नाशक करवाना है मरीज को बिस्तर बनाते समय नर्स को ध्यान रखना है कि बिस्तर सलवट अन्यथा मरीज के बिस्तरीय घाव होने की संभावना हो सकती है तो ये तो पहले पर्पज के अंदर भी पढ़ लिया था कि बिस्तर जब बनाते हैं तो सलवट रहित होना चाहिए एक स्वस्थ होना चाहिए उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी कचरा है वो नहीं होना चाहिए नहीं तो मरीज लेटेगा उसके नीचे मान लीजिए कोई सिरिंज घुसा हुआ है है ना तो ऐसी कंडीशन में मरीज को लग रहा है क्या लग रहा है और उसके बाद में बेड होने की संभावना हो सकती है स्किन इंजरी रफ्सर होने की संभावना हो सकती है तो ये बात आपको क्या रखना है ध्यान रखना है बिस्तर मरीज के बिस्तर की चादर चादर को चारों ओर से अच्छी तरह से गद्दे के नीचे दबाना है ताकि खिस खिसके नहीं और सलवटना पड़े जब बेड मेकिंग करते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो बेडशीट बिछाते हैं तो चारों कोर्नर से एंगल बनाते हुए उनको अच्छी तरीके से क्या कर देते हैं अंदर की तरफ इंसर्ट करवा देते हैं ताकि वो खिसके नहीं और सलवटे ना पड़े मरीज हिलता डुलता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा बिस्तर तैयार करते समय मैटर्स और पलंग को प्रतिदिन अच्छी तरीके से साफ करना है अब बेड मेकिंग करते हैं तो आप जानते हैं कि सबसे पहले तो पलंग को ही साफ करते हैं उसके बाद में मैट्रेस को साफ करते हैं ऐसा नहीं है कि उसको बेड मेकिंग कर रहे हैं तो उसको ओनली uh, बेडशीट है ड्रोशीट है ड्रॉ है उसको चेंज करते हैं जब बिस्तर तैयार करते हैं सबसे पहले तो ऐसी कंडीशन के अंदर पहले पलंग को पूरा क्लीन करते हैं डिस इन्फेक्ट करते हैं उसको मैट्रेस को क्लीन करते हैं और उसको हमेशा ध्यान रखना है प्रतिदिन करना है ये पलंग पर बिस्तर से वो हटाते समय उसको कर्मश एक एक करके उठाते हुए घड़ी करके रखना चाहिए ठीक है ना जो बिस्तर उठाते हैं तो उसको एक फोल्ड करना है घड़ी के रूप में इसमें क्या करना है फोल्ड करना है और उसको रखना है बिस्तर तैयार बिस्तर बनाते समय शरीर का सीध या बॉडी अलाइनमेंट का ध्यान रखना है जिससे मरीज को मरीज पर अनावश्यक भार न पड़े कार्य कुशलता में कार्य कुशलता से किया जा सके अब बिस्तर बनाते समय शरीर का जो अलाइनमेंट है जो अपनी पोजीशन है उसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखना उसका सीध अच्छे तरीके से होना चाहिए साथ ही साथ में मरीज जो लेटा हुआ है उसका भी ध्यान रखना है ताकि क्या है कि मरीज के ऊपर क्या है अनावश्यक भार न पड़े जब किसी असहाय मरीज का बिस्तर तैयार किया जा रहा है आवश्यकता अनुसार अपनी सहायता के लिए अन्य नर्स या मरीज के परिजनों को बुलाना चाहिए एक अनकंसियस पर्सन है वो हिल डुल नहीं सकता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर एक खुद से एक से संभव होना संभव नहीं है कि उसका बिस्तर चेंज कर सके बिस्तर तैयार कर सके मरीज बेड पे है तो ऐसी कंडीशन में एक, एक एक्स्ट्रा नर्स या उनके गार्डियन हैं उनको बोलना है कि जो हम बोलते हैं उस हिसाब से हेल्प uh, करना है सपोर्ट करना है ताकि जो बिस्तर है गंदे बिस्तरों को हटा दे और नया लगा दे बिस्तर तैयार करते समय करने से पहले उपयोग में आने वाली समस्त सामग्री जैसे कंबल है सादर है मैकेटोज है आदि को इस प्रकार कर्मश व्यवस्थित करके रखें कि बिस्तर तैयार करते समय उसे ढूंढने की जरूरत न पड़े इससे समय और ऊर्जा की बचत की जा सकती है अब बिस्तर तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले जितने भी सामग्री यूज हो रही है उसको एक ट्रे है उस ट्रे के अंदर जमा देना है उसको सीक्वेंस वाइज से जमाना है जैसे मेट्रेस तो लगा हुआ ही रहेगा उसके बाद में जो बॉटम सीट है उसके बाद में मैकिनटोज है उसके बाद में ड्रॉ सीट है उसके बाद में टॉप सीट है उसके बाद में ब्लैंकेट है उसके बाद में और टॉप सीट है तो इस प्रकार से एक उसके बाद में फिल्लो है फिल्लो कवर है तो ये किस कर्मस के अंदर रखना है किस सीक्वेंस के अंदर रखना है ये आपको जानकारी होना जरूरी है मैं वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा सारे सारे स्टेप बताऊंगा किस कंडीशन में क्या किया जाता है, है मरीज को ओढ़ने की चादर या कंबल को मैट्रस को मैं इस प्रकार दबाना चाहिए कि उसके पांव पर उसे दबाव महसूस न हो ड्रॉप की संभावना उत्पन्न न हो इसके लिए चादर या कंबल को दबाने से पहले पायतानों की ओर चुन्नट डालें अथवा मरीज को पांव घुटनों से ऊपर की ओर मोड़ने को कहें जिसे चादर और कंबल पर्याप्त ढीली हो फिर उसे गद्दे के नीचे दबाकर टाइट कर दें अब मरीज लेटा हुआ है अब जो कंबल है या बेडशीट है आप जानते हैं कि बेड वाले सॉरी पैर वाले साइड पे क्या करते हैं कि उसको भी फोल्ड करके नीचे की तरफ टक कर देते हैं नीचे की तरफ दबा देते हैं ताकि वो इधर उधर न हो परंतु ऐसा भी नहीं हो कि उसका जो उसका अंदर जाए मरीज का और उसको बहुत टाइटनेस महसूस हो ऐसा नहीं करना है मरीज को सादर या कंबल उड़ाते समय उसका चेहरा बाहर की रहने दे जैसे उसको उड़ाते हैं तो ऐसी कंडीशन में फेस है उसको बाहर दिखना चाहिए ठीक है मरीज को पलंग से हटाने मरीज के पलंग से हटाने वाली चादर को अधिक जोर लगाकर नहीं फटकाए अधिक जोर लगा करके फटकाना नहीं है नहीं तो उसकी बिस्तर के ऊपर या चादर के ऊपर जो गंदगी है डस्ट है वो फैल सकती है इन्फेक्शन होने की संभावना रह सकती है मरीज को पलंग पर बिस्तर बिताते समय सुनिश्चित कर लें कि उसके कीट तो नहीं है कोई कीट पतंग तो नहीं है वो देख लेना है बिस्तर तैयार करने से पूर्व ये सुनिश्चित कर लें कि मरीज उसकी रोगावस्था के अनुसार पर्याप्त आराम प्रदान करने के लिए आ, आपके पास पर्याप्त मात्रा में बिस्तर तैयार करने का सामान है कि नहीं है मरीज का क्या कंडीशन है क्या डिजीज कंडीशन है क्या बेड मेकिंग करना है बिस्तर तैयार करना है उसके अकॉर्डिंग सारे सामान है या नहीं है उसको कन्फर्म करना है पहले मालूम कर लेना है एक अच्छी नर्स होने के नाते समय सामग्री और शक्ति की बचत करें और सदुपयोग करें इसका मतलब ये हुआ कि एक नर्स की इतनी पास में अनुभव होना चाहिए कि बेड मेकिंग करते समय यह ध्यान रखना है कि स्टेप बाई स्टेप करना है स्ट्रिक असेप्टिक टेक्निक अपनाना है तो इससे क्या होगा कि एक समय सामग्री ऊर्जा की जो सदुपयोग होगा टाइम पे काम हो जाएगा मरीज के लिए बिस्तर तैयार करते समय अपनी योजना में जलवायु मौसम आदि के अनुसार परिवर्तन करना चाहिए बेड मेकिंग कर रहे हैं तो जब बेड मेकिंग कर रहे हैं सर्दी है ठंड लग रहा है कंबल यूज करेंगे गर्मी है कंबल यूज नहीं करेंगे तो बिस्तर तैयार करना है अकॉर्डिंग टू जलवायु वातावरण एनवायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा उसका भी ध्यान रखना है नर्स को बिस्तर तैयार करते समय बॉडी मैकेनिज्म का ध्यान रखना है एक नर्स है बेड मेकिंग कर रही है उस कंडीशन के अंदर बॉडी का अलाइनमेंट नर्स का क्या होना चाहिए जैसे बेड मेकिंग कर रहे हैं इस प्रकार से झुकते हैं कमर को झुकाते हैं नहीं मैंने आपको बॉडी मैकेनिज्म के अंदर बताया था कि जब बिस्तर तैयार करते हैं या मरीज के ऊपर कोई भी कार्य किया जाता है ऐसी कंडीशन के अंदर पहले घुटनों घुटनों को बेंड करना है इस प्रकार से घुटने को बेंड करेंगे और उसके बाद में झुकेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है इस प्रकार से बॉडी मैकेनिज्म का ध्यान रखना जरूरी है गंदी चादर को घड़ी इस प्रकार से करनी है कि उसका गंदा हुआ हिस्सा फोल्ड अंदर की तरफ रहे अब बेडशीट खराब हो गई है ऐसी तो कंडीशन में कोई चादर है तो उसको फोल्ड करना है और गंदा वाला पार्ट है, है।, है, है उसको यदि फोल्ड कर दोगे तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो फट जाएगा रफसर हो जाएगा खराब हो सकता है तो इसलिए मैकिनटोज को क्या करते हैं रोल बनाते हैं गोल गोल इस प्रकार से रोल बनाते हैं क्योंकि रबर मेटीरियल को रोल करना है फोल्ड नहीं करना है ये बातें आपको ध्यान में रखनी है अब मैंने आपको एक जनरल इंस्ट्रक्शन बताया कि बेड मेकिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है अंडरस्टैंड अब बात करते हैं प्रिंसिपल के बारे में बात करें सिद्धांत क्या है प्रिंसिपल ऑफ बेड मेकिंग बिस्तर बनाते समय नर्स के नर्स को निम्न सिद्धांतों का पालन आवश्यक रूप से करना है तो पालन के अंदर प्रिंसिपल के अंदर वही है जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वही आएगा कुछ चेंजेस है देखते हैं बिस्तर तैयार करते समय का उपयोग करना है साफ सफाई का ध्यान रखना है ना हो ऐसी कंडीशन के अंदर हैंड वॉशिंग करना है पहले और बाद में बिस्तर से खुद का जो शरीर है वो टस्ट नहीं होना चाहिए दूर होना चाहिए सभी जगह बिस्तर तैयार करते समय बिस्तर को इधर उधर कहीं पे भी कोई भी सामग्री से टस्ट नहीं होना इस बात का ध्यान रखें बिस्तर को इस प्रकार तैयार किया जाना है ताकि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोके और रोगी को आराम दिलाने में सहायक हो इस प्रकार से एक बिस्तर तैयार करना जिसमें की ग्रोथ ना हो ठीक है ना रोगी को मरीज को आराम मिले रोगी को बिस्तर पर पूरी तरह से सलवट रहित होना है बिस्तर बनाते समय नर्स को व्यवस्थित रूप से समय ऊर्जा और सामग्री की बचत करनी है बॉडी मैकेनिज्म का ध्यान रखना है बिस्तर का निर्माण इस तरह किया जाना है कि रोगी को बेड शोर और फुट ड्रॉप की रोकथाम हो सके फुट ड्रॉप जैसे बिस्तर के ऊपर जो फुटबोर्ड लगाते हैं फुटबोर्ड लगाते हैं ताकि मरीज का जो बेड है और उस बेड पे मरीज लेटता है तो जो जो फुट है पैर है और वो पैर क्या है वो ऐसे लटके नहीं ठीक है ना फुट का ड्रॉप ना हो नीचे लटके नहीं तो उसके लिए क्या करते हैं सपोर्ट रखते हैं यदि रोगी बेहोशी अन्य किसी बीमारी के कारण खुद गति करने में असमर्थ है तो ऐसे रोगियों के लिए बिस्तर बनाते समय शरीर के सभी अंगों को पर्याप्त सपोर्ट देना है ऐसे मरीज जिसका अनकन्शियस है पैरालिसिस है तो ऐसी कंडीशन में मरीज का करवट दिलाते हैं और उस टाइम में बेड मेकिंग करते हैं तो सपोर्ट देना है और सभी अंगों को सपोर्ट प्रॉपर रूप से देना है मैंने आपको पहले बताया था कि एक मरीज है और उसको अनकियस पर्सन है और या उसको ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह तो कितनी काम काम में में उसका काम करेंगे तीन. सबसे एक 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 होती है यां से से तक उसके बाद में एक बटेक्स वाले पार्ट पे, एक वाले पे पे इस प्रकार से तीनों ही उठा करके इस प्रकार से करेंगे तो मेकिंग बिस्तर तैयार करते हैं मरीज को है वो खुद करवट नहीं दिला ले पाता है ऐसी तो कंडीशन में सभी ऑर्गन को सपोर्ट ऐसा नहीं मुंडी को मोड़ दिया और फिर बाद में धड़ और बटेक्स और पैर है वो पिसी रह गया या मुड़ नहीं रहे तो इस बात का ध्यान रखना है प्रॉपर रूप से सभी ऑर्गन को समान रूप से सपोर्ट देना है बिस्तर इस प्रकार से तैयार करना है ताकि इस पर लेटने के बाद ये रोगी की सामान्य हलचल में किसी भी प्रकार की रुकावट उत्पन्न नहीं करे ठीक है इस प्रकार से तैयार करते हैं कि कोई भी हलचल है रुकावट है वो पैदा ना हो तो यही थे बेसिक प्रिंसिपल्स सिद्धांत जो बेडमेकिंग करते हैं उसके नियमा नियमावली होती है उसको देखना है तो अभी डेफिनेशन पढ़े हैं परपज पढ़े हैं जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़े हैं और साथ ही साथ में प्रिंसिपल्स पढ़े हैं सिद्धांत क्या होते हैं बेडमेकिंग के उसके बारे में पढ़े अब हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ द बेड बेड के प्रकार टाइप्स ऑफ द बेड नाम के अकॉर्डिंग है नाम के अकॉर्डिंग बेड है ठीक है ना जैसे होता है नाम के अकॉर्डिंग काम <coughs> <coughs> खाली बिस्तर अब खाली बिस्तर का मतलब है कि मरीज आने वाला होगा ऐसा नहीं है मरीज आएगा तब बिस्तर तैयार करते हैं बेड मेकिंग बिस्तर तैयार करके रखते हैं बिस्तर तैयार करके एक पलंग पोष होता था मैंने आपको बताया था बिस्तर तैयार करने के ऊपर ऊपर एक कपड़ा ढक देते हैं ताकि कोई भी ड्रेस्ट ना आए मरीज आएगा और उसको क्या करेंगे उसको हटा देंगे तो अनऑक्युपाइड बेड होता है खाली बिस्तर होता है खाली बिस्तर तैयार करना होता है पहला है खाली बिस्तर आप जानते हैं मरीज उसके ऊपर नहीं है परंतु बेड मेकिंग करते हैं बिस्तर बिछा करके अच्छी तरीके से रखते हैं जिसमें अब मैट्रेस बेडशीट और ड्रॉसेट मेकेंटो पिल्लो, पिलो कवर उसको लगा देते हैं और ब्लैंकेट रख देते हैं और उसको कहां-कहां फोल्ड करते हैं कैसे करते हैं अपन आगे देखेंगे तो उसको बिल्कुल तरीके से करके रख लेना है जिसके अंदर मरीज नहीं है खाली है मरीज आएगा बट अभी नहीं है ठीक है ना उसके बाद में है बिस्तर जिसमें मरीज भरा हुआ है मरीज आराम से लेटा हुआ है सोया हुआ है ठीक है तो इस प्रकार से मरीज जो ऑक्यूपाइड है भरा हुआ है मरीज उसमें रह रहा है तो ऐसी कंडीशन के अंदर बिस्तर कैसे तैयार करेंगे कैसे चेंज करेंगे तो एक होता है खाली बिस्तर एक है भरा हुआ एक है एडमिशन बिस्तर एक होता है एडमिशन बिस्तर अब एडमिशन हो रहा है मरीज भर्ती मरीज का मरीज भर्ती हुआ है ठीक है ना उस कंडीशन में बिस्तर तैयार करते हैं बेड मेकिंग करते हैं कार्डियक बेड हार्ट वाले मरीज आते हैं उनके लिए कार्डियक बेड बनाए तैयार किया जाता है उसको कार्डियक टेबल वहां पे यूज होती है उसके बाद में ब्लैंकेट बेड कंबल बिस्तर होता है इसमें कंबल रहता है उसके बाद में फ्रैक्चर बेड जो हड्डी टूट जाती है ऐसी कंडीशन में जगह जगह सपोर्ट देना पड़ता है जैसे यह हड्डी टूटा हुआ है ठीक है ना तो उस कंडीशन में वहां पे एक यहाँ पे साइड में सपोर्ट रहेगा पैर है तो पैर के ट्रैक्शन के लिए वहां बांधने के लिए होगा अलग अलग प्रकार का होगा उसके बाद में एम्पुटेड बे... एम्पुटेशन बेड एम्पुटेशन का मतलब होता है हड्डी का काटना हड्डी का काटना हड्डी कट जाती है जैसे नहीं उससे काटते हैं तो इसका अलग बेड होगा उनके लिए अलग सपोर्ट के लिए पिल्लोल हो रखना होगा हो जैसे कि क्या है नीचे की तरफ न आए और वहां पर ब्लड क्लॉट ना हो ऊपर रहे और जिसकी वजह से ड्रेनेज अच्छी तरीके से हो तो एम्पुटेशन बेड अलग होगा उसके बाद में ऑपरेशन बेड आप जानते हैं कि जब ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के अंदर तो अलग अलग बेड होते ही है।, है तो इस प्रकार से ये जो बेड होते हैं कौन कौन से खाली भरा हुआ भर्ती हार्ट वाला कंबल अस्थि भंग उसके बाद में आ, एम्पुटेशन और उसके बाद में ऑपरेशन बेड एक यहां पे और लाइन लिखी हुई है स्ट्रिपिंग बेड बिस्तर को खाली करना बिस्तर को खाली करने का अर्थ है पलंग पर जो चादर तलकिया कंबल आदि बिछे हुए है, हैं उस पलंग से हटाना और निकालना ताकि उस जगह पे नए चादर तकिया इत्यादि लगाई जा सके और नया बिस्तर तैयार किया जाए एक टर्मिनोलॉजी है स्ट्रिपिंग बेड स्ट्रिपिंग बेड है ना बिस्तर को खाली करना बिस्तर को खाली करना मतलब जितना भी बिछा हुआ है उसको हटाना और उसके बाद में नया बिस्तर बेडशीट बिछाना यही है स्ट्रिपिंग बेड ये टर्मिनोलॉजी है ठीक है अब ये बेड होते हैं उस बेड के बारे में बताता हूं देखो प्रोसीजर है मैं वीडियो बताऊंगा पहले और उस वीडियो के बाद में क्या करेंगे इस प्रोसीजर को समझेंगे या पहले मैं थ्योरी पढ़ा दूंगा और उसके बाद में अपन वीडियो देखेंगे ठीक है तो ये वाला पोर्शन आपका सेकेंड के अंदर होगा इस वीडियो के अंदर नहीं आएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डाल देता हूं ठीक है अब देखिएगा ये जो टाइप्स ऑफ द बेड है उसकी एक थोड़ी सी आपको झलक दिखाता हूं टाइप्स ऑफ बेड के अंदर जैसे ये वाला बेड है यही बिस्तर होते हैं बच्चों इस प्रकार से ही बिस्तर होते हैं जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है या क्या देखने को मिल रहा है ये वाला जो पोर्शन है ये वाला क्या है ये कंबल है इस और यहां पे क्या है पिल्लो रखा हुआ है ये जो बेडशीट है अलग अलग कलर की हो सकती है हॉस्पिटल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग बेडशीट अलग अलग हो सकती है उसके बाद में ये व्हाइट वाइट वाली है ये क्या है ड्रॉशीट है और इस ड्रोशीट के नीचे क्या होगा मैंने आपको बताया था जब बेडशीट के जो बेड के बारे में बताया था तब क्योंकि मैकिटोज होता है रबड़ का होता है और वो डायरेक्ट मरीज के संपर्क में आएगा तो ऐसी कंडीशन में इरिटेशन हो सकता है मरीज को दिक्कत हो सकता है अनकंफर्ट रह सकता है ऐसी कंडीशन में मैकेंटो रबड़ वाला होता है उसके ऊपर ये ड्रॉ सीट बिछाई जाती है आया समझ में तो इस प्रकार से अलग अलग बिस्तर है वो तैयार किए जाते हैं ये भी बिस्तर तैयार किया हुआ है अब यहाँ पे देखो ये क्लोइड बेड है मतलब खाली है ठीक है ना इसमें क्लोइड है ठीक है ना ये बंद है अब उसके बाद में अनऑक्यूपेड है ये ओपन बेड होते हैं जो भरा हुआ नहीं है ठीक है ना किस प्रकार से तैयार किया हुआ है उसके बाद में देखिएगा ये ऑक्यूपाइड बेड है ये भरा हुआ बिस्तर है मरीज कितना आराम से लेटा हुआ है आपको देखने से यह प्रतीत होता होगा कि मरीज को बहुत कंफर्ट पोजीशन है देखो यहाँ पे मरीज लेटा हुआ तो है अब इसके अंदर ये बेड इस प्रकार से मॉडिफाई किया गया है कि इसको मरीज को इस प्रकार से ऊपर कर सकते हैं हेड साइड से ऊपर कर सकते हैं मरीज को इस प्रकार से इधर कर सकते हैं इधर कर सकते हैं पेड़ साइड से ऊपर कर सकते हैं इसके अंदर सारे जो इंस्ट्रूमेंट है या उसमें सब टेक्निक्स लगी हुई होती है खटिया जैसा नहीं होता है कि फिक्स होता है परमानेंट अब इसके अंदर यहाँ पे जो ये वाला दिख रहा है आपको ये वाला जो साइड रेलिंग है इससे क्या होगा कि मरीज करवट लेता है तो गिरे नहीं तो इस पर यह साइड रेलिंग होती है ये यह। यहां तो एक ही दिया हुआ है नहीं तो अलग अलग जगह पे अलग अलग बेड के अंदर अलग अलग होता है मरीज को बढ़िया पिल्लो लगाया हुआ है हल्का सा बेड्स की साइड से क्या किया हुआ है ऊपर किया हुआ है ठीक है आराम से मरीज लेटा हुआ है ये फुट ड्रॉप को बचाने के लिए यहाँ पे फुट बोर्ड लगा हुआ है ताकि मरीज का जैसे ही बेड वो ये फुट है वो वहां पे टच होगा तो ऐसे लटकेगा नहीं फुट ड्रॉप नहीं होगा है ना तो ये क्या है इस प्रकार से यहाँ पे फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए फुट बोर्ड लगा हुआ है पिल्लो लगा हुआ है साइड रेलिंग लगा हुआ है साइड रेलिंग मतलब साइड से कवर किया हुआ है ताकि मरीज गिरे नहीं अंडरस्टैंड इस प्रकार से ये बेड होता है ये है एडमिशन बेड हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन बेड है एडमिशन बेड का मतलब होता है कि मरीज भर्ती है परंतु वो गया है स्नान करने के लिए बाथिंग के लिए गया हुआ है या हॉस्पिटल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो हॉस्पिटल की ड्रेस चेंज कर रहा है बेड पे तो नहीं करेगा तो एडमिशन बेड जिसके अंतर्गत मरीज या तो स्नान करने गया हुआ है नहाने गया हुआ है या हॉस्पिटल की ड्रेस है वो पहन रहा है तो इस प्रकार से जो बेड तैयार किए जाते हैं वो होता है एडमिशन बेड ये एडमिशन बेड है ये है बच्चों कार्डियक बेड जिसके अंतर्गत कार्डियक टेबल लगा हुआ है मरीज कितना बढ़िया अच्छी तरीके से सोया हुआ नींद में सोया हुआ तो इस प्रकार से ये कंफर्ट पोजीशन प्रोवाइड करवाने के लिए कार्डियक बेड दिया हुआ है ताकि मरीज को हार्ट की दिक्कत है तो इसलिए प्रॉब्लम ना हो नेक्स्ट बात करते हैं ये बेड है अलग अलग प्रकार के बेड है ये है फ्रैक्चर बेड अब देखिएगा आराम से एक मरीज है उस फ्रैक्चर बेड के अंदर यहाँ पे देखो ये ट्रैक्शन के लिए हाथ का मेरे हिसाब से फ्रैक्चर हुआ है तो हाथ को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे क्या है इस प्रकार से यहाँ पे रस्सी आती है अलग अलग प्रकार का मान लीजिए पैर का फ्रैक्चर हुआ है तो यहां पे इस प्रकार से ये स्टैंड लगा हुआ रहता है यहाँ पे बांधने के लिए इस प्रकार से पेड़ का बना हुआ है फुट ड्रॉप के लिए ये फुट ड्रॉप दिया हुआ है ये साइड रेलिंग है दोनों साइड से साइड रेलिंग है पहिया घूमने वाला है ताकि मरीज को कहाँ से कहा ले जा सकते हैं एक्सरे करवाना है सोनोग्राफी करवाना है क्या करवाना है कहाँ जाना है तो फ्रैक्चर वाला मरीज के लिए इस प्रकार का बेड तैयार होता है अब आपको ये समझ में आ गया कि बेड मेकिंग करते हैं इस कंडीशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के अंदर डिफरेंट टाइप का बेड तैयार होता है बिस्तर तैयार किए जाते हैं तो ये आपको ध्यान में रखना है ये कितना आराम से है दूसरा ऊपर डाला हुआ है ये क्या है बेड क्रेडल है मैंने आपको बताया था बेड क्रेडल वह क्रेडल जिसके अंतर्गत मरीज आराम से आसानी के अंदर रहे उसके ऊपर कंबल हो बेडशीट हो वो डायरेक्ट मरीज के बॉडी से टच ना हो मान लीजिए फ्रैक्चर वाला मरीज है उसको ठंड लग रही है कंबल उड़ाएंगे बिस्तर उड़ाएंगे भार हो जाएगा उसके ऊपर वजन पड़ेगा दिक्कत हो सकता है तो इस प्रकार से बेड क्रेडल यूज किया गया है अब देखिएगा बेड क्रेडल इस प्रकार से तो अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि एक मरीज के ऊपर यूज होने वाली सभी प्रकार की जो सामग्री है उसका पर्पज क्या है उसका मीनिंग्स क्या है ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बिल्कुल आ रहा है नेक्स्ट बात करते हैं ये है एम्पुटेशन बेड ये बाबा जी गए थे सब्जी लेने के लिए और वहां पे कहीं ऐसा एक्सीडेंट हुआ और जिसकी वजह से गाड़ी उसके ऊपर से चल गया ठीक है जिसकी वजह से ये क्या हो गया पेड़ काटना पड़ गया ये पेड़ कितना लंबा है इतना लंबा है और ये यहाँ पे आते ही एंड हो गया है अब ये रिमेनिंग पार्ट कहां है ये रिमेनिंग पार्ट कहां गया बच्चों है ना क्योंकि या तो कोई भी इंफेक्शन हुआ है संक्रमण हुआ है या किसी कारण से उनको काटना पड़ रहा है ऐसी नौबत आ गई है तो हड्डी को काटना एक टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं एम्पुटेशन कट द बोन बोन को काटना एम्पुटेशन कहलाता है तो एम्पुटेशन के लिए देखो यहां पर एक लंबा पिल्लो लगाया हुआ है थोड़ा सपोर्ट के लिए ऊपर किया हुआ है मरीज को थोड़ा ऊपर किया हुआ है पिल्लो बढ़िया तरीके से लगाया हुआ है ये इस प्रकार से फोल्डिंग सब अलग अलग लगाया हुआ है तो एम्पुटेशन बेड अलग प्रकार का हुआ कि नहीं हुआ बिल्कुल हुआ नेक्स्ट बात करते हैं ये है ऑपरेशन बेड जिसके अंतर्गत क्या होगा इसके अंदर मरीज को क्या किया है ऑपरेशन मान लीजिए मरीज का ऑपरेशन हो रहा है उस कंडीशन के अंदर आप जानते हैं कि हार्ट का ऑपरेशन होगा तो अलग बेड तैयार करना होगा अलग प्रकार का होगा किडनी का ऑपरेशन करना है तो ऐसी कंडीशन में उसको करवट दिला सकते हैं यदि डिलीवरी हो रही है तो डिलीवरी के अंदर अलग प्रकार का बेड तैयार करना होगा तो ऑपरेशन बेड जिसमें ऑपरेशन थिएटर में लगा हुआ रहता है उसके फंक्शन बेड एक ही होता है परंतु उसको तैयार किया जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन हो रहा है क्या प्रक्रिया होनी है ऑपरेशन थिएटर के अंदर उसके अकॉर्डिंग ये बेड होता है इस बेड के अंदर ये खासियत है कि इसको कहीं से भी इधर उधर कर सकते हैं ऊपर नीचे कर सकते हैं सारे सारे यहाँ पे हैंडल है वो लगे हुए होते हैं ठीक है थीके? तो इस प्रकार से बच्चों ये ऑपरेशन बेड है तो आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों मैंने आपको ये बताया कि बेड मेकिंग क्या होती है उसका डेफिनेशन बताया उसके फर्फज बताए जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में बात किया साथ ही साथ में क्या प्रिंसिपल्स होते हैं एक बेड मेकिंग करते समय क्या सिद्धांत होते हैं किन किन बातों का ध्यान रखना होता है उसके बारे में बात की साथ के साथ ही साथ टाइप्स ऑफ द बेड कितने प्रकार के बेड होते हैं और बेड को आपको मैंने आइडेंटि आइडेंटिफाई करवाया दिखाया कि ये बेड की कंडीशन होती है आपको अब इस वीडियो से ये मालूम हो रहा है कि हाँ हम घर बैठे ही एक हॉस्पिटल का पूरा दृश्य देख रहे हैं मालूम पड़ रहा है कि आखिर में ये हो सकता है ऐसे ऐसे करना होगा ठीक है और ये आपकी जब ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उस कंडीशन में अपने जीवन के अंदर ये उतारोगे आप इस प्रकार से करोगे ये करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आप जानते हैं कि नॉलेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है अपने लाइफ के अंदर एक अनुभव रखना जरूरी है सभी प्रकार की बेसिक जानकारियां होना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है ठीक है तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही और नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे बेड मेकिंग का प्रोसीजर कैसे होता है मैंने तो बता दिया ये करना है ये करना है ये करना है परंतु आप एक बार आंखों से देखोगे कि हाँ रियल में ऐसे होता है इस प्रकार से करना होता है कब बेडशीट बिछाते हैं कब मैकोज बिछाते हैं कब कॉर्नर से कितना एंगल पे उसको अंदर टक करते हैं कब कंबल कंबल की कंडीशन कैसी होती है बेड पिलो कहां रखते हैं कैसे रखना होता है सभी तमाम प्रकार की बातें नेक्स्ट वीडियो के अंदर फटेंगे तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही धन्यवाद